आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स का ट्रांसफर किया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरजीकर के 10 डॉक्टर्स दूसरे अस्पताल भेज दिए गए हैं, 32 डॉक्टर दूसरे अस्पताल से आरजीकर लाए गए हैं। अब ये तबादला, ये बदलाव क्यों किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन, इस बदलाव के पीछे वजह क्या आ रही है, क्यों किया गया ट्रांसफर? देखिए, इस बदलाव को भारतीय जनता पार्टी एक सियासी रंग दे रही है। उनका कहना है कि ऐसे डॉक्टरों की टीम जो इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको सपोर्ट कर रही थी, उनमें से कुछ लोगों को चुन चुन कर यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है और बाहर से ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो कि टीएमसी समर्थक है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है, अस्पताल प्रशासन इसे रूटीन ट्रांसफर का नाम दे रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस घटना के बाद से इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों का ट्रांसफर होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर करता है प्रशासनिक अमले पे। करुणा, बिल्कुल बिल्कुल कुमार, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आनन फानन में ये जो प्रक्रिया है, जो ये एक्टिविटी है, क्यों हो रही है? क्योंकि एक तरफ तो इल्जाम लग रहा है टीएमसी सरकार पर कि यहाँ पर सबूत मिटाने की भी कोशिश हो रही है, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, उसके बाद फिर ये एक्शन लिया जाता है। लेकिन निधि, आपको समझना पड़ेगा, 2-3 दिन पहले की बात है, डॉक्टर जो है 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि अगर 48 घंटे में हम जो डिमांड बोल रहे हैं अगर उसको पूरा नहीं किया जाता है तो फिर हम फर्दर इस हड़ताल को एक्सटेंड करेंगे, और कल शाम में उन्होंने दोबारा से हड़ताल को एक्सटेंड कर दिया। डॉक्टरों की एक टीम है जो कि पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही है और उसको एक दूसरी टीम है जो पीछे से सपोर्ट कर रही है, ये सीनियर डॉक्टर की टीम है। अमूमन कोलकाता में एक ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी सरकार विरोधी काम करता है उसको पेरिफेरल इलाके में या रिमोट इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी की स्थिति में भी इसी तरह की बात नजर आ रही है कि एक साथ 10 लोगों को बाहर ट्रांसफर कर दिया गया और पेरिफेरल इलाके से 32 लोगों को यहाँ लाया गया। ठीक है कुमार कुंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये खबर देने के लिए। और कार्रवाई अब हो रही है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये आखिर आनन फानन में क्यों फैसले लिए जा रहे हैं।